थैंक यू सो मच। हमारी अगली और आखिरी फनकारा फरिया परवेज, आप तशरीफ लाएं। और उससे पहले मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर मेहमान खुसूसी नसीरुद्दीन शाह साहब से चंद बातें। सबसे पहले तो खुश आमदीद आप लाहौर आए। गालिब की तो ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, पर उनकी जगह आप आ गए। अब गालिब जैसा इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, मतलब जितने उनके हर गजल में जितने शेर होते हैं, हर एक का एक अलग दुनिया उसमें होती है, उतनी उनके पर्सनालिटी के लेयर्स भी होंगे। उसकी रमाई इंटरप्रिटेशन करना आसान काम है। आपसे पहले भारत भूषण साहब ने किया, हमारे यहाँ सदीर साहब ने किया। अब आपने जिस तरह वो कैरेक्टर निभाया उसमें आपकी कहाँ से हेल्प थी, फ्रॉम हिज अर्लियर इंटरप्रिटेशन या डायरेक्टर की डायरेक्शन और योर पर्सनल इनसाइट? आप एक जगजीत भाई और मेरा नाम जब आपने लिया, एक नाम आप भूल गए, वो है गुलजार भाई का। बिल्कुल, क्योंकि पूरा सहरा उनके साथ है उस सीरियल का। और जो कुछ मुझे समझने की जरूरत महसूस हुई वो सब मुझे उस स्क्रिप्ट में ही मिला। मेरी खुशनसीबी भी है और बदनसीबी भी कि गुलजार भाई ने मुझे चुना इस रोल के लिए। खुशनसीबी इस तरह से कि मुझे बेशुमार दुआएं बेहद प्यार मिला है उसकी वजह से, और बदनसीबी इसलिए कि लोग मुझे गालिब समझने लगे हैं। ये तो आपने सच कहा, ये बोझ बहुत मुश्किल है और बहुत भारी है इसको अपने कंधों पर लेके चलना, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मैं इस वक्त आज शाम अपने आप को बहुत बड़ा ढोंगी महसूस कर रहा हूँ कि इतने सारे आलिम मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं जो गालिब के बारे में बातें कर रहे हैं। और आप जो बार बार पूछ रही थी कि गालिब को समझना, मुझे डर लग रहा था कि आप मेरे पास कब आएंगी कि मुझे काफ़ी मुश्किल हुई उन्हें समझने में, और मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं उनके बहुत सारे। So you give the credit to the director. I give the entire credit to the director and the writer and the conception of the whole serial. और मेरे लिए, क्योंकि मेरी तरबियत अंग्रेजी में हुई बचपन से, मेरे लिए उर्दू शायरी के साथ इससे अच्छा तारुफ नहीं हो सकता था मिर्जा गालिब की शायरी को छोड़ के। अच्छा, आपका ताल्लुक गली कासिम जान से पहले का है, आपने मुझे पिछली दफ़ा बताया था, मुझे याद है। और आप पहले ही वहाँ का आना जाना था, आप उनके घर के सामने से भी गुजरे, आपने लकड़ी के डाल का भी जिक्र किया। तो तब कभी आपने कुछ फील किया था वहाँ पे? डिड यू एवर मेरी भुप्पी थी जो रहती थी गली कासिम जान में, और हम लोग जाया करते थे उनसे मिलने, तो जाते हुए हमें बताया जाता था कि ये मिर्जा गालिब की बहुत बड़े शायर थे, उनका घर है वो सीधा सी हवेली जिसमें कोयले की बोरियां पड़ी रहती थी। और मैं सोचता था, और बड़ी परेशानी होती थी ये सोच के कि अगर ये इतने बड़े शायर थे तो उनके घर की ये हालत कैसे हो गई। तकरीबन 25 साल बाद जब ये सीरियल मैंने किया और थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी हासिल की, तब वो वजूहत मेरी समझ में आने लगे। जब मैं तालिबे इल्म था फिल्म इंस्टीट्यूट में पूना में, जो मुंबई के पास है, तो मुझे ये खबर मिली कि गुलजार भाई मिर्जा गालिब पे एक फिल्म प्लान कर रहे हैं जिसमें वो मरहूम संजीव कुमार साहब को लेना चाहते थे गालिब की भूमिका के लिए। ये खबर पढ़ के मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरी तबीयत ख़राब हुई, और मैंने गुलजार भाई को एक ख़त लिखा। मैं 21-22 साल का था, तो जोश आप समझ सकते हैं। मैंने कहा कि देखिए, ये गुजराती हैं संजीव कुमार, इनको उर्दू बोलनी नहीं आती है, ना शायरी इन्हें आती है। सच बात यह है कि ना मुझे उर्दू बोलनी आती थी, ना शायरी आती थी, लेकिन वो अलग बात है। और मेरा इस रोल पे हक है क्योंकि मेरा रिश्ता गली कासिम जान से है, और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, और मेरी उर्दू बड़ी अच्छी है, और मैं शायरी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो इत्तेफाक से वो ख़त कभी गुलजार भाई को मिला ही नहीं और जब कई साल बाद उन्होंने मुझे चुना, तो बहुत सारे और अदाकार थे जो ये रोल करना चाहते थे, जाहिर सी बात है। प्लीज बताएं कौन कौन। मेरी अब नाम लेने से फायदा नहीं है, लेकिन मेरी खुशनसीबी थी कि उन्होंने मुझे चुना। मेरे ख्याल से हम सब की भी थी, क्योंकि आपसे बेहतर कोई भी कर सकता नसीर साहब। ये बात आपने बहुत दफा सुनी होगी, बट वी ऑल रियली मीन इट, क्योंकि जब तक गालिब सुना जाएंगे और पढ़े जाएंगे, आपकी ही सरापा हमारे जहन में आएगा। अब ये तो आपके कंधों से बोझ कभी नहीं जा सकता।
खैर मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी जगजीत साहब की, और इस पूरे सीरियल में गायकी उन्होंने की और बेहतर लव्स भी आई बिलीव उन्हीं का था। कितना सपोर्ट किया आपके कैरेक्टर को उन्होंने और कितनी माँ बदल थी? ये यूं कहिए कि जब उनके जो गाए हुए जो गीत थे, जब मैं उनका रियाज करता था, उनमें कई ऐसे थे जिनमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, तो लिप सिंक्रोनाइजेशन पकड़ना ज़रा मुश्किल था। तो मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला लिप सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, कि गाने वाले की जो सांस होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। और अक्सर उनके नज़मों में और गज़लों में जो जगजीत भाई जब गाते थे, तो जिस जगह वो सांस लेते थे, मैं भी उसी जगह सांस लेने की कोशिश करता था। तो इसीलिए कई जगह ऐसा लगता है कि मैंने खुद गाया, और जब कोई मुझसे कहता है कि आपने खुद गाया था, तो मैं कहता हूँ हाँ मैंने गाया। आज आप हमें कुछ सुनाएंगे भी गालिब का, फरिया से पहली गजल सुन लीजिए, फरिया को गा दीजिए, उसके बाद में और फिर जब आप हुक्म करेंगे तो मैं माइक लेके हाजिर हो जाऊंगा। और बाकी मुझे तो हमेशा से मिर्जा गालिब की शबी जो है वो आप ही में नजर आई। जितना हम भी गाते हैं और जब भी किसी सिंगर को कलाम गाने का मौका मिलता है, आई एम श्योर उसको तभी एहसास होता है कि उसके अल्फाज को और उनके मतलब को समझा जाए। और ये दो गज़लें जब मैंने गाई तो मुझे वाकई एहसास हुआ कि एक बड़ा शायर जो है वो कैसा होता है। हज़ारों ख्वाहिशें
मददगार को हम कैसे समझ पाएंगे, और गालिब साहब जैसे कॉम्प्लेक्स इंसान को, जीनियस इंसान को समझने की तो मैं शुरुआत भी नहीं कर सकता। वेबसाइट हमने बाद में बनाई थी और तकरीबन आई थिंक कोई 25 करोड़। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो डाउनलोडिंग है, क्योंकि हमने फ्री रखी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं और देख रहे हैं। और अब हमारा जो एक प्रोग्राम है विरसा एनर्जेटिक रिवाइव, इसका सिलसिला यूसुफ सलाउद्दीन इसको आगे लेके जा रहे हैं और इन्होंने एक नया प्रोग्राम तरतीब दिया है जो कि ड्रामे की शक्ल में आप तक पेश होगा। और उसका जो पहला सिलसिला जो है, पहला जो सीरियल बन रहा है वो ही रांझा पे बन रहा है। जी बिल्कुल। और ये एक पीटीवी की प्रोडक्शन है, पीटीवी इसको प्रोड्यूस कर रही है और मेरा, मैं इसमें म्यूजिक और लिरिक्स और साहिर जो है इसकी तमाम इसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं। राहत फतेह अली खान भी इसमें इन्वॉल्व है। रांझा नहीं बन रहे, लेकिन उन्होंने दो गाने बहुत ज़बरदस्त कंपोज किए, जो भी गाते हैं ज़बरदस्त हो जाते हैं। और यह है कि इसको हम इस तरह ले रहे हैं कि अब क्योंकि विरसे की सक्सेस के बाद हम एक हेरिटेज सीरीज और उसकी जो आशीर्वाद है वो गाने से करेंगे। और इंशाल्लाह, और जस्ट द डिफरेंट थिंग अबाउट दिस सीरियल इज दैट इट्स अ म्यूजिकल सीरियल, इसमें